सकते ना, तो जहां जहां पे आपके निशान है ना वहां पे तो आप इसको ऐसे बहुत अच्छे से लगा सकते हो। मैं पास से दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो मेरे फेस पे एक भी निशान नहीं है और मैं बाहर की कोई भी चीज अपने फेस पे नहीं लगा दूंगी। तो परमानेंट आपकी जो झाइयां हैं, आपके जो काले निशान है वो सारे चले जाएंगे। तो एक बार मेरे कहने से इस रेमेडी को यूज जरूर कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम राजपूत। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो अगर आप भी झाइयों से, काले निशान से या फिर अनइवन टोन जो होती है उससे परेशान है, कैसे भी काले दाग धब्बे आपके फेस पे है, लाइक पिंपल्स की वजह से बहुत सारे निशान हमारे फेस पे हो जाते हैं, झाइयाँ हो जाती हैं, झाइयों के बहुत सारे रीजन है। अगर उस पर हम जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो किसी भी तरह की झाइयाँ हैं, लाइक यहाँ पे है, यहाँ पे है, या कहीं पे भी आपकी झाइयाँ हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो कि हमारे किचन में अवेलेबल है। उन्हीं चीजों से आप परमानेंट कैसे उस चीज को जो आपकी झाइयाँ हैं, मेलाजमा है या फिर काले दाग धब्बे या फिर पिंपल्स वगैरह के निशान है, या फिर जो होती है ना आपकी स्किन कभी यहाँ पे काली यहाँ पे व्हाइट ऐसे हो जाती है जो कि बहुत गंदी लगती है, उन सभी चीजों को ये दूर करेगा और आपकी स्किन को साथ ही साथ ग्लोइंग भी बनाएगा। और दूसरा सबसे अच्छी चीज है कि इसको यूज करने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको जाने में, विदिन 1 वीक में आपको डिफरेंस पता लगने लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी जो है ये झाइयाँ सारी प्रॉब्लम्स जो है जड़ से चली जाएंगी। लेकिन आपने बहुत सारी मेडिसिन भी खाई होंगी, बहुत सारी क्रीम्स भी लगाई होंगी, उनसे क्या होता है ये चली जाती है, हट जाती है, लेकिन फिर से आ जाती हैं। तो ये जो रेमेडी मैं बताऊंगी इससे आपकी जो है ना ये सारी प्रॉब्लम्स जड़ से खत्म होंगी, लाइक अंदर से पूरी ही क्लीन होगी आपकी जो वो चीजें होंगी। तो ये रेमेडी आप जरूर यूज कीजिएगा। और सबसे अच्छी चीज जो है इसमें वो हमने किचन की चीजों से बनाई है, लाइक कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं की है जिसमें आपका 1 रुपये भी खर्च हो। सारी चीजें ऐसी है जो कि हमारे किचन में मिलेंगी एंड बहुत ईजिली मिल जाएंगी। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि किचन की चीज़ों से हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है एंड जितने भी बाहर के प्रोडक्ट आते हैं वो भी हमारे किचन की चीज़ों को ही मिला के हमारे लिए प्रोडक्ट बनाती है। तो हमारे पास तो हमारा किचन है, तो हम खुद से उन चीज़ों को बना के अपने फेस पर अगर लगाते हैं ना, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ आपकी जो स्किन है ना, महंगे महंगे जो प्रोडक्ट्स हैं ना जो मार्केट के आपको मिलते हैं उससे अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। एंड इसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट ऐसा होगा जो कि परमानेंट होगा। ऐसा नहीं कुछ टाइम के लिए हट गई एंड उसके और भी ज़्यादा साइड इफेक्ट हो गए और वो फिर से वापस आ जाएंगी जैसे उनको छोड़ेंगे। ये जो रेमेडी है इसको अगर आप एक बार यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपका परमानेंट रिजल्ट होगा। ऐसा नहीं है कुछ टाइम के लिए होगा और कुछ टाइम के लिए सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी बातें हो गई, अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो पहली चीज जो हमने ली है वो है हमारे पास ये जो आपने कच्चा आलू होता है जो कि हर किचन में अवेलेबल होता है, उसको मैंने क्रश कर लिया है, यानी कद्दूकस से कस लिया है और उसके बाद उसका जो जूस है इस टाइप से निकाल लिया है जो कि इजीली आपका निकल जाएगा और कि इस तरह का जूस आपको मिल जाएगा। सबसे पहला चीज हम ये लेंगे जो कि आप इजीली निकाल सकते हो एंड किचन में आलू एक ऐसी चीज है जो कि हर किचन में मिल जाता है। नेक्स्ट हमें चाहिए लेमन, जो भी हर ज्यादातर किचन में एंड इस टाइम तो समर में तो मिल ही जाएगा। ये दोनों चीजें जो है ना मैजिक की तरह आपके फेस पे काम करेंगी। कैसे भी निशान हो आपके फेस पे, कैसे भी पिगमेंटेशन हो, किसी भी तरह की हो, किसी भी रीजन की वजह से हो, क्योंकि पिगमेंटेशन के बहुत सारे रीजन होते हैं, तो इन चीजों से आपकी बहुत इजीली चले जाएंगे। अनइवन हो गई है स्किन पे, चमक नहीं बची है, काली पड़ गई है, वो सारी ही चीजें से दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने लगभग 2 से ढाई चम्मच जो एक छोटा आलू होता है उसका जूस लिया है, उसमें आधा चम्मच नींबू का रस मैं डालूंगी। आधा चम्मच के लगभग ऐसे मैं आइडिया से डाल रही हूँ, आप आधा चम्मच निकाल के भी डाल सकते हो। ये मैंने डाल लिया है इसके अंदर और अब हमारा जो ये वो है वो रेडी है। इसके अलावा हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। ये जो दो चीजें ही हैं आपको कमाल का रिजल्ट देने वाली हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड हमारी जो रेमेडी है वो रेडी है। अब हमें चाहिए एक कॉटन बॉल, यानी छोटा सा कॉटन हमें चाहिए और हम अपने फेस को एकदम क्लीन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने अपने फेस को पूरा अच्छे से क्लीन किया हुआ है। इसको डिप करेंगे और डिप करने के बाद अपने पूरे ही फेस पे आप लगा लेंगे। जहाँ जहाँ पे पिगमेंटेशन है वहाँ पे तो आपने इस तरह से बहुत ही अच्छे से लगा लेना है, बहुत ही अच्छे से, लाइक ऐसे करके 2 से 3 बार आप उस जगह पे ऐसे अच्छे से लगा लेंगे। और आप पूरे फेस पे भी इसको लगा सकते हो, क्योंकि अगर आपकी कहीं भी काले निशान है या फिर आपकी जो स्किन है वो ब्लैक पड़ गई है तो वो सारी इससे सही होगी अगर आप पूरे फेस पे लगा लेंगे। और पूरे फेस पे आप नहीं लगाना चाहते ना, तो जहां जहां पे आपके निशान है ना वहां पे तो आप इसको ऐसे बहुत अच्छे से लगा सकते हो। मैं पास से दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो मेरे फेस पे एक भी निशान नहीं है और मैं बाहर की कोई भी चीज अपने फेस पे नहीं लगाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। लाइक मैं अपने फेस पे कुछ भी बाहर की केमिकल वाली चीजें यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे इतना फायदा नहीं होता जितना नुकसान हो जाता है। तो पूरे फेस पे आप अच्छे से इस तरह से लगा लें और इसको अपने पूरे अच्छे से फेस पे लगाना है एंड उसके बाद छोड़ देना है ड्राई होने के लिए। ये आपको 2 बार लगाना है, एक बार आप दिन में लगा सकते हो जब भी आपको टाइम मिलता है एंड एक बार नाइट में लगा सकते हो जब भी आपको सोने जाना है उससे पहले, एंड पूरी रात इसको रहने दीजिए। मॉर्निंग में नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए एंड ये बना के आप 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, उसके बाद लगा सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है। एंड अगर आप डेली बनाते हो तो और भी अच्छा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका, जो अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेगा ना विद इन 7 डेज में आपको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप रेगुलर यूज करोगे तो परमानेंट आपकी जो झाइयां हैं, आपके जो काले निशान है वो सारे चले जाएंगे। तो एक बार मेरे कहने से इस रेमेडी को यूज जरूर कीजिएगा और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना सारी चली जाएंगी एंड पिगमेंटेशन तो जड़ से चली जाएगी अगर आप मतलब विश्वास के साथ और कुछ टाइम के लिए इसको परमानेंट यूज करेंगे बिना स्किप किए, क्योंकि कोई भी मेडिकल या कोई भी मार्केट की क्रीम भी आप यूज करते हो उसको भी आपको रेगुलर यूज करना पड़ता है। ऐसे ही ये नेचुरल चीजें हैं, इनको तो आपको बहुत अच्छे से एक रूटीन के साथ यूज करना पड़ेगा, तब इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो एक बार यूज करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा आपका जो रिजल्ट है वो कैसा रहा, आपको फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जो भी है, क्योंकि मैं जानती हूँ इससे आपको 100% फायदा जरूर मिलेगा। एंड मिलूंगी ऐसे ही एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ, एक अच्छी सी रेमेडी के साथ। आपकी कोई प्रॉब्लम है एंड उसका अगर आप रिजल्ट किसी भी रेमेडी चाहते हो, लाइक किसी भी प्रॉब्लम की रेमेडी चाहते हो तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगी आपसे बहुत अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।